आप एक 125 वाले बाइक, 125 सीसी का बाइक लेना चाहते हो, अगर होंडा का ये एसपी 125 बाइक लेना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों देख सकते हो इस बाइक का जो कलर है, देख सकते हो ये जो कलर है, ये होंडा का 125 एसपी 2024 मॉडल। और इस कलर का पहला अगर बात करें तो ये पेरियल सीरन ब्लू कलर है, और मतलब ये कलर काफी ज्यादा हाईलाइट कलर है। अगर आप रात के अंधेरे में चलाएंगे तो ये जो कलर है ये बहुत ही हाईलाइट होता है, मतलब ठीक है, रेडियम का जैसा। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि इसका मीटर कंसोल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीटर वगैरह मिल जाते हैं, मीटर कंसोल। तो यहाँ पे जो फ्यूल का जो आपको दिखाई देगा, उसके बाद आपका बाइक कितने गियर पे है वो दिखाई देगा। पहले का जो बाइक था वो आप कौन सा गियर पे डाल के रखे हो वो आपको खुद को भी नहीं पता चलता है, लेकिन अभी से जो होंडा ने जो अपडेट लाया है ये मीटर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका गाड़ी, आपका बाइक, आप कितने गियर पे राइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे किलोमीटर दिख जाएंगे, टाइम भी शो हो जाएगा, मतलब कितना किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है, ठीक है। अभी देख सकते हो 5:06 मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक काफी अच्छा, मतलब एक गेटअप है, थोड़ा बड़ा साइज, चौड़ा साइज का बना दिया है। उसके बाद फ्यूल टैंक के साथ यहाँ पे देखिए साइड वाइजर का है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया है, मतलब काफी हार्ड प्लास्टिक है। उसके बाद साइड में इसका जो साइड कवर यहाँ पे ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था, जो पहले का जो होंडा एसपी था उसमें नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे दिया गया है। इसको देने के साथ साथ मतलब गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले तो आप देख सकते हो हेडलाइट का यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहले तो आपको यहाँ पे एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हेलोजिन बल्ब मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको हेडलाइट जलाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आता है, देख सकते हो, मतलब दिन में ही काफी ज्यादा उजाला है, मतलब काफी ज्यादा एलईडी है। और इसका साइड इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको एलईडी मिल जाता है, देख सकते हो बना गया है। उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह मतलब लगा सकते हो आप, नंबर प्लेट वगैरह लगाने का साइज है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो माटघाट है, साथ में इसमें मतलब मैट ब्लैक फिनिश दिया गया है। उसके बाद आपको शॉकर मिल जाता है, देख सकते हो, ठीक है। आप टायर की बात करें तो टायर आपको C8 मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 18x100mm का यहाँ पे टायर का साइज है, और C8 कंपनी का टायर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और साइड कवर में आपको होंडा का बैचिंग मिल जाता है, लोगो भी मिल जाता है, देख सकते हो होंडा का बैचिंग लोगो, देख सकते हो, मतलब इसका कलर जो है काफी ज्यादा हाईलाइटिंग कलर है। और ये बाइक अगर जब पुराना हो जाएगा तो इसको देखकर नहीं लगेगा कि पुराना, क्योंकि इसका जो कलर है वो हमेशा ब्राइट रहेगा, इसलिए ये कलर ऐड किया गया है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा है। तो इंजन वगैरह देख सकते हो, होंडा का जो इंजन है ये काफी ज्यादा शानदार पावरफुल इंजन आप करता है होंडा ने, किक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक सिस्टम है, और यहाँ पे पैर रखने का साइलेंसर, साइलेंसर में यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे पैर रखने का जो जो है ये मिल जाता है। उसके बाद आपको दोनों साइड में शॉकर मिल जाते हैं, ठीक है। और पीछे का टायर का अगर साइज बात करें तो ये भी आपको C8 का टायर मिल जाता है, टायर का साइज देख सकते हो 100x80mm का C8 कंपनी का टायर आपको मिल जाता है, मतलब एलोविल टाइप आपको मिल जाता है। यहाँ पे एलोविल का डिजाइन आप देख सकते हो, काफी ज्यादा शानदार क्वालिटी का है। और साथ ही में आपको बैक साइड में पकड़ने का, जो बैक साइड को कोई बैठे तो पकड़ने का साइज काफी ज्यादा मतलब जबरदस्त मजबूती है। और इसका बैक साइड का लुक इस तरह से दिखता है, बैक साइड का लाइट और नंबर प्लेट वगैरह अगर आप रात को दिखते हैं तो यहाँ पे लाइट जलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह मटघाट है, और यहाँ पे देख सकते हो जो लेडीज बैठेगा गाइस, मतलब काफी, जो भी गाड़ी आप अभी 2024 में लेने जाओगे तो ज्यादातर गाड़ी में जो जो लेडीज बैठने का जो फुटरेस है उसके साथ मतलब एक कवर दे देता है, क्योंकि ज्यादातर समय क्या होता है लेडीज का वगैरह का कपड़ा जो व्हील चक्का के अंदर जाता है, टायर के अंदर चला जाता है और बहुत ही हादसा हो जाता है। तो उसके हिसाब से इसको ध्यान रखते हुए होंडा ने भी इसको ऐड किया है। और यहाँ पे चेन कवर देख सकते हो, मतलब, और इसका देख सकते हो गियर चेंजिंग, ये 5 गियर वाला है, ठीक है। तो होंडा का यहाँ पे देख सकते हो कवर भी लगा दिया है इंजिन का यहाँ पे, ठीक है। मतलब काफी कम बाइक में इस तरह सा दिया जाता है, मतलब इंजिन में कवर, ठीक है। आपको एसपी 125 का बैचिंग मिल जाता है, कलर आपको हाईलाइट मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो।
और बैक साइड का इंडिकेटर आपको इस तरह का एलईडी मिल जाता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का। और हैंडल वगैरह में देख सकते हो ये पासिंग लाइट है जो साइड इंडिकेटर का स्विच, मतलब काफी ज्यादा। और ये हॉर्न है, हॉर्न काफी ज्यादा लाउड है देख सकते हो, इंजन को ऑन ऑफ करने वाला। अगर यहाँ पे अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका इंजन ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे टैप करने से ऑन हो जाता है और इसको ऑफ कर देने से इंजन ऑन। डिस्क का यहाँ पे फ्यूल मिल जाता है जो डिस्क ब्रेक के लिए होता है खास करके, यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि डिस्क का जो है फ्यूल एक्स्ट्रा आता है। और इसका लुकिंग ग्लास वगैरह इस तरह से आता है, मतलब काफी ज्यादा एडजस्टेबल है, काफी ज्यादा। देख सकते हो सेट करने का, जो आप अगर राइड में जाते हो तो सेट कर सकते हो, आप कितने किलोमीटर चलाओगे वो जानने के लिए आप सेट कर सकते हो। एक बार दोस्तों आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, मतलब काफी चौड़ी हैंडल है लेकिन आपको बैठकर इस बाइक पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल आने वाला है। अभी मैं आपको सुना देता हूँ इसका जो साउंड है, जो एग्जॉस्ट है, साइलेंसर का साउंड है वो सुना देता हूँ। तो ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत ही स्मूथ साउंड है, तो साउंड में सुना देता हूँ, देख सकते हो। तो काफी ज्यादा शानदार एक साउंड क्वालिटी है, मतलब आपको दिक्कत नहीं देने वाले है अगर पब्लिक प्लेस में अगर चलाएंगे तो। इस बाइक का मतलब जो ओवरऑल जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार है और बहुत लोग ये गाड़ी को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, मतलब होंडा ने बहुत ही अच्छा अपडेट किया है कस्टमर के हिसाब से। तो आपको सीट यहाँ पे बैठने का जो है सीट सिंगल सीट मिल जाते हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट है, हालांकि ये कवर नया लगाया गया है, ठीक है। तो ये बाइक काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का देख सकते हो, मतलब काफी ज्यादा शानदार है। और दूर से भी अगर आप ये बाइक लेकर चलाएंगे तो एक बार होने से भी लोग इस बाइक को देखेंगे। तो काफी ज्यादा शानदार है, मतलब इसका हेडलाइट वगैरह बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है देख सकते हो। तो आप इस 125 सीसी का बाइक आराम से ले सकते हो, इसका माइलेज काफी अच्छा है। और इसका प्राइस एक्स शोरूम जो हर डिस्ट्रिक्ट के वाइज अलग अलग होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना आप अपना नियरेस्ट जो होंडा शोरूम है वहां पे जाके इसका प्राइस वगैरह मतलब जान सकते हो। मतलब काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का ये बाइक है अगर आप एक 125 वाले बाइक लेना चाहते हो, ठीक है। तो अगर ये जो वीडियो है ये अगर आपको देखकर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कार्स एंड बाइक रिव्यू वाला वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।